सब्सक्राइब कीजिए AQ Tech हिंदी चैनल को और दबाइए इस बेल बटन को टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो व्हाट्सअप पीपल, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा आप अपने विंडोज 10 PC और लैपटॉप में डिफॉल्ट PDF कैसे चेंज कर सकते हैं। तो यार इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए, बहुत ही सिंपल स्टेप है दोस्तों। आपको सबसे पहले विंडोज 10 की सेटिंग में जाना है। विंडोज 10 की सेटिंग में जाने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलता है ऐप्स का, उसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं डिफॉल्ट ऐप्स, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे स्क्रॉल डाउन करके चूज डिफॉल्ट ऐप्स बाय फाइल टाइप, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर ये कुछ विंडो ओपन हो जाएगा, तो हम इसका थोड़ा सा वेट कर लेते हैं यहाँ पर। ओके, तो अब यहाँ पर ये जो है आ गया है, तो अभी हम इसको स्क्रॉल कर लेते हैं बहुत सारा। यहाँ पर स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है .pdf। ओके, हम यहाँ पर अभी नीचे स्क्रॉल कर लेते हैं, मैं यहाँ से स्क्रॉल कर लेता हूँ। ओके, तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं .pdf ये जो फाइल है, इसके ऊपर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर मेरे पास ये जो डिफॉल्ट है एडोब रीडर है, तो आप इसको यहाँ पर गूगल क्रोम भी रख सकते हैं या फिर माइक्रोसॉफ्ट एज भी रख सकते हैं, तो मैं यहाँ पर इसको गूगल क्रोम रख लेता हूँ। उसके बाद इस विंडोज़ को हम यहाँ पर क्लोज कर लेते हैं। इस तरीके से आप अपने विंडोज 10 PC में डिफॉल्ट PDF को चेंज कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो दोस्तों आपको ये छोटा सा वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि मैं रोज़ इसी तरह वीडियो लेकर आता रहूँगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।